नमस्कार दोस्तों, मैं पवन आपका मेरे चैनल टेकी पवन में स्वागत करता हूँ। कृपया टेकी पवन चैनल को सब्सक्राइब करें एवं लाइक करें। आइए आज के टॉपिक पर चलते हैं। आज का टॉपिक है डेरिवेशन ऑफ सप्लाई कर्व फ्रॉम एमसी कर्व, एमसी वक्र से पूर्ति वक्र की उत्पत्ति। आप चित्र में देख सकते हैं, हमने पूर्ण प्रतियोगिता का केस लिया है जिसमें पहले ओपी कीमत थी, तो ओपी कीमत पे ER बराबर MR था और अर्थ और उत्पादक ई बिंदु पर संतुलन में था, जहाँ MC वक्र MR वक्र को काटता है। ABC वक्र भी U आकृति का है, MC वक्र ABC वक्र को उसके न्यूनतम बिंदु पर काटता हुआ आगे बढ़ता है। अब यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि MC वक्र का वह बढ़ता हुआ भाग जो न्यूनतम ABC से ऊपर है, ध्यान दें, MC वक्र का वह बढ़ता हुआ भाग जो मिनिमम ABC से ऊपर है, उसे हम पूर्ति वक्र कहते हैं, क्योंकि MC वक्र का यह भाग विभिन्न कीमतों पर उत्पादक द्वारा बेची जाने वाली मात्राओं को दर्शाता है। चित्र में MC वक्र का E बिंदु के ऊपर का भाग पूर्ति वक्र कहलाता है, क्योंकि E1 और E2 तीनों ही उत्पादक के संतुलन बिंदु है। पहला संतुलन OP कीमत पर हुआ है, दूसरा संतुलन OP1 कीमत पर हुआ है और तीसरा संतुलन OP2 कीमत पर हुआ है। हम ABC से ऊपर का भाग क्यों मान रहे हैं? क्योंकि उत्पादक कभी भी स्थिर लागतों की हानि नहीं उठाता है, वो उत्पादन बंद कर देगा, फैक्ट्री बंद कर देगा, इसलिए उसको उतनी कीमत तो मिलनी ही चाहिए, तभी वो उत्पादन जारी रखेगा। इसी कारण हमने P ग्रेटर देन इक्वल टू ABC मिन होगी तब तो वो उत्पादन जारी रखेगा, और P लेस देन ABC मिन होगी तो उत्पादन बंद कर देगा। ये जो सूत्र लिखा हुआ है PVC, ये PVC नहीं है, ये ABC मिन है और ABC मिन है, ध्यान दें।